सभी देखिए जो घटना घटी वो तो बहुत ही सैड थी और बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। मैं एक्चुअली तुनिशा को पर्सनली नहीं जानता, बट मैं हम लोगों ने शूट किया था ऑलमोस्ट 10 दिन पहले सेम सेट के पैरेलल सेट पे, और मैं जस्ट क्योंकि मेरी जो बड़ी माँ प्ले करती हैं जयती भाटिया जी, वो उन लोगों ने पहले साथ में काम किया था एक शो में, तो शी केम टू मीट हर एंड मेरे जस्ट हाई हेलो हुआ, तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था। पर मैं बहुत शॉक में चला गया बिकॉज मैंने उस इंसान को ऐसे लाइव देखा था, सामने देखा था, मेरे सामने मुस्कुराई थी, और अब पता लगा कि शी इज़ नो मोर। तो वो एक बहुत शॉकिंग था, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एज आई फील एज अ ह्यूमन बींग वी शुड टेल व्हाटएवर द प्रेशर वी आर फेसिंग, वी शुड टेल आवर फैमिली और फ्रेंड्स, और कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलता ही यार, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। सो ये मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं इंडस्ट्री से हैं बाहर से हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है 100%। मैं फिलहाल हमारे शो के ससुराल सिमर के सीजन 2 के सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच, आपकी वजह से इतनी अच्छी TRP आ रही है, आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, और हम लोग एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे कि पहुँचेंगे। थैंक यू। थैंक यू।